स्टडी साइंस सेंटर एजी कॉन्सेप्ट। ए लाइट प्रोसेस का 8 पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए पिछले ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है। ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट का मतलब पहुंचाना, ढोना, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। देखिए जो चैप्टर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ का मतलब जीवन, प्रोसेसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो ऑल द बेसिक प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जितना भी बेसिक प्रोसेस है जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, जो इस धरती पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जारी रखने के लिए जरूरी होता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इन लाइफ प्रोसेस में मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी पिछले क्लास के जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। आज टर्न है ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए वीडियो के साथ कंटिन्यू बनिए सो दैट यू कैन गेट व्हाट आई वांट टू गिव यू, है ना, ताकि आप प्राप्त कर सके जो हम देना चाहते हैं। आइए ट्रांसपोर्टेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो वैसा प्रक्रिया है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन, जो भी चीज है, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में, मतलब हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो उसमें कि ट्रांसपोर्टेशन इज द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है ना, इन विच ट्रांसफर ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। देखिए जब भी हम पढ़ेंगे तो दोनों चीज में पढ़ेंगे, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा प्लांट के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो होता है ना, वो वैस्कुलर बंडल के द्वारा होता है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू में दो पार्ट कंसिस्ट करते हैं, एक का नाम होता है जाइलम, दूसरा के नाम होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्ट, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के केस में जैसे कि देखिए हम जैसे जनरली वॉटरिंग करते हैं, पानी देते हैं पेड़ पौधा को, तो जड़ में डालते हैं, है ना। तो जब जड़ में आप पानी डालोगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि सॉइल है, ठीक है, तो जड़ के पास क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, देखिए बात को, है ना, रूट हेयर्स होते हैं। तब होता क्या है कि प्लांट का जो रूट हेयर है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के जरिए, है ना, एक पानी रूट हेयर में प्रवेश करता है, समझ रहे ना। और ये जो वाटर सॉइल में मौजूद होता है, इसका नाम होता है जाइलम सैप। इसको हम बोलते हैं जाइलम सैप बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई पूछेगा नेम द पार्ट्स या नेम द वेसल विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, है ना, उस पार्ट का नाम बताइए जो प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है, तो उसका नाम है जाइलम, ठीक है। अब फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर बट जो भोजन बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये जो सॉइल में जो हम वाटर डालते हैं ना, ये क्या होता है, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन इट ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तब ये प्लांट के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जब ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए जाता है, कहीं कहीं पे इसमें पीट वगैरह भी होता है जहां पे कुछ देर के लिए वाटर एब्जॉर्ब होकर रहता है, फिर उसके बाद सप्लाई टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो इसका मैकेनिज्म था। सिमिलरली देखिए फ्लोएम है, तो फ्लोएम का एक पार्ट है जिसका नाम है सीवी ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है, देखिए समझिएगा सीवी ट्यूब्स, ठीक है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन जो है वो क्यों कहां बनाता है, तो लीफ में।
लीफ में क्लोरोफिल होते हैं और उसमें एक साइट है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है और क्लोरोफिल का ही काम क्या है, टू एब्जॉर्ब सनलाइट या टर्न्स द सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर को केमिकल में कौन कन्वर्ट करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल होते हैं ना वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और यही पर भोजन बनता है। तो जो भोजन बनता है ना, तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्वेश्चन विल आस्क इन द बोर्ड एग्जाम, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, ठीक है। क्या मैकेनिज्म है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट एंड ऑकर्स एज पर निम्न तरीके से होते, सुनिए। फूड इज प्रिपेयर इन द लीफ ऑफ प्लांट, भोजन कहां पे बनता है, लीफ में बनता है और ए जो है इट इज लोडेड इन टू द सीवी ट्यूब, है ना, भोजन यहाँ पे लोड होता है, याद रखिएगा फूड इज लोडेड, ठीक है, ए सीवी ट्यूब में भोजन लोड होता है, देन वाटर इंटर इन टू द वेसल, ए वेसल में पानी क्या करता है, प्रवेश करता है एंड अच्छा आगे भोजन पीछे से पानी प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा, then it increases the pressure and thus food is transported to the different parts of plant, तब क्या होता है, food जो है plant के तरह तरह भिन्न भिन्न हिस्सों में क्या होता है, transport हो जाता है, ठीक है। तो this is all about the mechanism of transport in the प्लांट, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, याद रखेंगे जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम का काम क्या है, फूड कंडक्ट करना, मैकेनिज्म क्या हो गया फूड का, तो मैकेनिज्म ये हुआ कि फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीफ, ठीक है, भोजन में बनता है एंड इट इज लोडेड इन टू सीवी ट्यूब, दूसरा स्टेप में आप लिख सकते हो कहां पे लोड रहता है, सीवी ट्यूब में, थर्ड स्टेप में आप लिखेगा एज वाटर इंटर्स इन टू द सीवी ट्यूब, पानी जैसे ही सीवी ट्यूब में प्रवेश करता है इट इंक्रीजेस द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा देता है एंड दस फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, इस प्रकार से फूड जो है प्लांट के भिन्न भिन्न हिस्सों में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन बींग्स में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानकारी लेना होगा, ब्लड है क्या, तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, ब्लड क्या है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, माना कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो वैसा टिश्यू जो क्या करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और ये ब्लड तो पूरे पार्ट्स में फैल रहा है यानी सबको लिंक कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू परसेंस ऑफ रेड पिगमेंट जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, है ना, खून का यहाँ पे जो लाल रंग है वो क्यों होता है, तो ड्यू टू परसेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के वजह से। इसके बाद देखिए देर आर फोर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के चार अलग अलग कंपोनेंट है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी को बोलते हैं, है ना, इसको याद रखेंगे, आरबीसी भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है, इसको डब्ल्यूबीसी भी आप लोग लिख सकते हैं, आरबीसी क्या, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात क्या किया हुआ है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा है क्या, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इट कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस एंड प्रोटीन, प्लाज्मा है क्या, देखिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लड का क्या लेंगे ना, जब ब्लड निकल रहा होता तो उसको आप पेपर पे लोगे, ठीक है ना, ना ब्लड जब निकल रहा है उसको आप पेपर पे लोगे, उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देख पाओगे कि जहां पे जो ब्लड है ना तो उसके एक जगह के बीच में ना क्या होगा, पूरा रेड जम जाएगा और चारों तरफ उसके वाटर फैल जाएगा, ठीक है। तो जो 90% वाटर कंसिस्ट करता है ना ब्लड में, इसी को नाम होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा है क्या, तो प्लाज्मा कंपोनेंट है किसका, ब्लड का, विच कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, और ये उसमें क्या किस चीज को भुला करके रखता है, तो फूड भी मौजूद होता है और प्रोटीन भी, ठीक है। तो सिंपली ब्लड क्या है समझिए, तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, विच इज रेड इन कलर ड्यू टू परसेंस ऑफ
हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। कितने कंपोनेंट? चार कंपोनेंट, प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट, क्लियर, जो कॉन्सिस्ट करता है डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, प्रोटीन वगैरह ऐसा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या है? द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, है ना, इसका मतलब कि वैसा ब्लड का हिस्सा जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से। और आपको मालूम होना चाहिए कि ए आरबीसी है, इसका जो सेल का जो शेप होगा वो सर्कुलर होता है और इसमें भी हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो ब्लड है ना, उसी का कंपोनेंट है व्हाइट सॉरी रेड कलर का होता है, क्यों? हेमोग्लोबिन की वजह से। इसके बाद देखिए व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्या है? द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, है ना, वैसा ब्लड का हिस्सा या वैसा कंपोनेंट ब्लड का जो हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है ना। ए क्या करता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इंफेक्शन, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है ना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, सो दैट वी हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। कोई भी बीमारी हो ना उसे हम लड़ सकते हैं, उसके प्रति हमको क्या करता है ना, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, सो दैट वी कैन बी एबल टू डिफेंड ऑल द डिजीज। इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ इट इज ऑफ डिफरेंट शेप, इसका अलग अलग शेप होता है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं, एक बात और याद रखना। इसके बाद आ जाइए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है क्या? द प्लेटलेट्स आर द टीनी फ्रेगमेंट्स ऑफ अ स्पेशल सेल, है ना, ये भी क्या है, छोटा छोटा टुकड़ा है ब्लड का सेल्स का, ठीक है, हल्का छोटा छोटा। इट इज फॉर्म इन द बोन मैरो, जो कहा क्रिएट होता है बोन मैरो में, इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, जब हाथ वगैरह कट जाता है खून नहीं रोक रहा है तो खून जो रोकता है ना यही प्लेटलेट्स का काम होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो डेंगू बीमारी होता है ना, डेंगू सुने, डेंगू फीवर, तो उस केस में हमारे प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, और इसकी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं टू टेक ना पपाया जूस, पपीता के पत्ता का जूस, और नंबर टू होता है क्या, गोट्स मिल्क ना बकरी का दूध, तो उसमें प्रीफर किया जाता है। एक्चुअली डेंगू फीवर के केस में हमारे प्लेटलेट्स की संख्या कम जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट ब्लड प्रेशर। अब देखिए ब्लड प्रेशर, ब्लड तो शरीर में है, आखिर उसको पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो ऑर्गन जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई तो बर्तन जरूर होना चाहिए, तो इस ब्लड वेसल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन ब्लड वेसल्स के बारे में, नंबर वन आर्टरी, नंबर टू वेन, नंबर थ्री कैपिलरीज, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तीन ब्लड वेसल्स के बारे में, नंबर वन है आपका आर्टरी, नंबर टू वेन, नंबर थ्री कैपिलरीज। तो देखिए आर्टरी होता क्या है, तो आर्टरी क्या लिखा है, तो जैसे इसमें आप सब में ऐड कर सकते हो कि इट इज ए ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल्स है, तो देखिए क्या है ब्लड वेसल्स है, इसका काम क्या है, तो इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना, इट कैरी क्या कैरी करता है, तो ब्लड को कैरी करता है कहां से, अवे फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन, मतलब हार्ट से अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम किसका है, आर्टरी का, हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जबकि वेन्स का क्या काम है, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग टू द हार्ट, ए ब्लड जो है अलग अलग अंग से हार्ट मिलाता है, और कैपिलरीज का काम क्या है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग, है ना, ए जो है ना एक्सचेंज करने के लिए मदद करता है, मतलब कि कैपिलरी छोटे छोटे छिद्र जाते हुए उसमें क्या हुआ एक्सचेंज हो गया, प्रोटीन वगैरह देना है सो दे दिया, CO2 लेना है तो ले लिया, तो एक्सचेंज में। आर्टरी का काम हार्ट से अलग अलग अंग में, वेन्स का काम अलग अलग अंग से वापस हार्ट में लाना। अब आ जाएंगे ह्यूमन में सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, मानव शरीर में सर्कुलेशन किस प्रकार से होते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात की डिफरेंट सर्कुलेटरी, जिसे देखिए हम स्टार्टिंग में ही बात बता के आपको कि हमारा लाइफ जो है सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, तो सेल का ग्रुप टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है,
तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना है उसमें भी अलग अलग अंग होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जो अलग अलग अंग होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में उसका नंबर वन है आपका हार्ट, नंबर टू आर्टरी, नंबर थ्री वेन, ब्लड एंड कैपिलरी। ये पांच जो है मिल करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण किया है। तो कौन कौन हो गए आप देखेंगे, हार्ट हो गया, आर्टरी, वेन, ब्लड एंड कैपिलरी, ये पांच और 10 मिल करके हमारा क्या क्या निर्माण किया है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे हम बनाए हैं डायग्राम कुछ देखने के लिए आपको। ये डायग्राम से आप समझ सकते हो क्या होता है, इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो देखिए होता क्या है समझिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं ना, लंग्स की तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स में ऑक्सीजन प्रवेश कर गया और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होगा, बात तो सोचना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक अंग है जिसका नाम है हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, यही पंपिंग ऑर्गन है या सर्कुलेटरी ऑर्गन कहिए, जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करके पहुंचाता है। अब ब्लड को पहुंचाने का काम क्या होता है, क्योंकि हर सेल को ना ऑक्सीजन की जरूरत है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फूड टूटेगा नहीं, बर्न नहीं होगा, और जब तक फूड बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, इफ यू हैव नो एनर्जी देन यू आर नो एनी यूज, कोई काम के नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, यही बात है यहाँ पर। तो अब क्या होता है, लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब याद रखिएगा हार्ट में ही कि चार चैम्बर होते हैं हमारा, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल होता है, यही एक ऐसा ऑर्गन है जो एक बार चालू होता है तो जीवन भर साथ देता है, और एक बार बंद हो गया तो समझिए कि कहानी जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो यही तो लंग से सांस लिया तो पल्मोनरी वेन, लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स में जब आ गया, यहाँ पे दो को आप बांट दूंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड रिच इन ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आ जाइए। तो लंग से क्या करता है, स्टेट लिखवाए हैं, वेन द मसल्स ऑफ ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट रिलैक्स, जब हमारा मसल जो है हार्ट का वो रिलैक्स होता है, देन पल्मोनरी वेन ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरी, तब क्या होता है पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरी में लेकर के आ जाता है, कब, जब हमारा हार्ट का जो मसल्स है ना वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेस फॉर्म में हो रहता है, तब ठीक है, जब रिलैक्स फॉर्म में रहता है तब क्या कर देता है कि है ना पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लाता है, देखिए एल ए लिखते हैं लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, आर ए का मतलब है राइट ऑरिकल, आर यहाँ पे लिखा हुआ, आर एस का मतलब क्या होता है, सॉरी आर बी है तो राइट वेंट्रिकल, एल बी का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल, आई ए जो है आपका वाल्व 1 वाल्व 2 है, ठीक है, हार्ट में वाल्व भी होते हैं दो, ठीक है। देखिए लंग से कहां पे आया, लेफ्ट ऑरिकल में, उसके बाद क्या होता है, जब वाल्व 1 क्या होता है या ना लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, लेफ्ट आट्रियम भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, और बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है कि जितना भी ऑक्सीजन है सेल्स के द्वारा यूज हो जाता है, तब एक डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तब बॉडी ऑर्गन से वेन का काम होता है राइट आर्टरी में पहुंचाना, और राइट आर्टरी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है ये राइट वेंट्रिकल में प्रवेश होता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा है ना ये लंग्स में वापस पहुंच जाता है, ठीक है ना, फ्रॉम कहां से कहां गया, देखिए बात को, सबसे पहला स्टेप है लंग से लेफ्ट आर्टरी में, लंग से लेफ्ट आर्टरी में, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन में जाता है, और थर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन, नंबर 1 समझ में आया, पहला क्या बताया
लंग से कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और दूसरा का ये बताया हुआ है कि जब लेफ्ट आट्रियम में जो वाल्व है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा फिर, वहां से बॉडी ऑर्गन में पहुंचाएगा, ठीक है। और यहां बॉडी ऑर्गन में क्या होगा कि जितना भी ऑक्सीजन उसमें था वो यूज हो जाएगा। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड होगा तो एक फोर्स किया जाता है राइट आट्रियम में, और राइट आट्रियम का जब वाल्व टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तब कहां पे चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है ट्वाइस, दो बार होता है, इसीलिए इसका नाम डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। देखिए स्टेटमेंट है, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द फोर चैंबर ऑफ हार्ट गेट रिलैक्सेस पल्मोनरी वेन ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी में लिया आता है। When the left atrium contract, oxygenated blood is pushed into the left ventricle. A oxygenated blood left ventricle में हो जाता है valve 2 के द्वारा, है ना? Sorry, valve 1 के द्वारा। फिर main artery carries the blood to the different body parts, है ना? Main artery जो है ना यहाँ पे क्या हो गया, body organs में लेकर के आ गया, ठीक है। उसके बाद part of body like chest, stomach, etc. Since the blood losses oxygen, here it becomes deoxygenated. यहाँ पे क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन था सब लॉस कर जाता है, अतः ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। Then by veins, veins के द्वारा ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लिया जाता है, तब veins के द्वारा ए आ जाता है राइट आट्रियम में, राइट ऑरिकल में। और ए जो राइट आट्रियम है, यहाँ जो वाल्व 2 है जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट वेंट्रिकल में, एंड देन है ना इट इज कैरीड टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी, तब ए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस लंग्स में आ जाता है। इसके बाद इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है आपका, है ना, लिम्फैटिक सिस्टम। द लिम्फैटिक सिस्टम होता क्या है, द लिम्फ सबसे पहले आपको समझना होगा कि लिम्फ एक सिमिलर होता है ब्लड के जैसा, जिसमें डिजॉल्व प्रोटीन होता है और इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद लिम्फैटिक सिस्टम के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप बाय द हार्ट, वैसा प्रेशर जिसमें ब्लड को पंप किया जाता है हमारे हार्ट से। उसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा का होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसका जो जो मेजरमेंट किया जाता है जिसको बीपी कहते हैं, है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है जो क्या करता है हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, जस्ट यू गो थ्रू इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, डबल सर्कुलेशन के बारे में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कुछ नहीं है ना, याद रखेंगे आप क्या होता है, सबसे पहले लंग्स है ना, तो लंग्स है, उसके बाद याद रखना है हार्ट एक बनाना है, फिर बॉडी ऑर्गन्स नीचे में बनाना है। सबसे पहले लंग्स है, पहला स्टेप है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आट्रियम में, लेफ्ट आट्रियम का वाल्व जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी ऑर्गन्स याद रखना है राइट।